Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम अपने मोबाइल का लॉक कैसे चेंज कर सकते हैं या हम अपने मोबाइल को लॉक कैसे लगा सकते हैं, लॉक या पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक, हम ये लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां मैं इस मोबाइल को पहले बंद करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने मोबाइल बंद कर दिया। यहाँ आप लोग देख रहे हैं मेरे मोबाइल में कोई लॉक नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोई लॉक नहीं है। तो चलिए हम अभी इसको पहले एक लॉक लगा देते हैं कि मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल को हम लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आप लोगों को नीचे जाना है। यहाँ आप लोग फाइंड करें सिक्योरिटी लोकेशन को। यहाँ आप लोगों के सामने आता है सिक्योरिटी लोकेशन। यहाँ आप लोगों को सिक्योरिटी लोकेशन पर क्लिक करना चाहिए। सिक्योरिटी लोकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ लिखा है स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करें। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोग किस टाइप का लॉक लगाना चाहते हैं। एक होता है पैटर्न लॉक और एक होता है पिन लॉक, एक होता है पासवर्ड लॉक। तो पहले मैं पैटर्न लॉक लगा देता हूँ क्योंकि सबसे पहले ये पैटर्न वाला लॉक हम लगाएंगे और उसके बाद वो दूसरे वाले भी लगा देंगे क्योंकि ये लॉक काफ़ी फेमस है। हम इस लॉक को लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक छोटा वाला लॉक लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जेड लगा देता हूँ, सॉरी। तो ये मैंने लॉक लगा दिया। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दोबारा ये लॉक चाह रहा है। ये लॉक इसलिए चाह रहा है कि आप लोग कंफर्म हो कि कोड यही है या नहीं है। तो यहाँ नीचे आप लोगों को कंफर्म का भी ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप लोगों को कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कोड जो है वो शो हो जाए, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, हाइड सेंसिटिव कंटेंट, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल, तो हम इसको हाइड सेंसिटिव कंटेंट पर कर देते हैं, कंटेंट पर लगा देते हैं। तो यहाँ आप लोग अभी देख सकते हैं कि हमारा लॉक लग गया है। तो ये हो गया हमारा लॉक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा लॉक। तो चलिए हम इस लॉक को अभी लगा देते हैं। तो ये हमने लॉक लगा के अनलॉक कर दिया है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप अभी इस कोड को, इस लॉक को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर से आप लोगों को जाना है सेटिंग में। यहाँ आप लोगों को फिर से सेटिंग में आना चाहिए। सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। सेटिंग पर आने के बाद फिर आप लोगों को वही सिक्योरिटी लोकेशन वाले पर क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक करते हैं सिक्योरिटी लोकेशन वाले पर। सिक्योरिटी लोकेशन वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को नीचे नज़र आएगा एक तो है फेस लॉक। आप फेस लॉक भी यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट भी मोबाइल के पीछे फिंगरप्रिंट अगर है तो आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। और इसके नीचे फिर एक स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक वॉइस लॉक है। आप वॉइस से मोबाइल को लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। दोस्तों पहले हम चाहते हैं कि हम अपने पहले वाला कोड को कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए पहले आप लोग यहाँ ऊपर स्क्रीन लॉक पर फिर क्लिक करेंगे। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को वही कोड मांगेगा जो अभी आप लोगों ने अपने मोबाइल पर लगाया है या आप लोगों के मोबाइल पर वही कोड है। आप लोग वही कोड लगाते हैं। तो चलिए हम भी लगा देते हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया है अपना कोड। ये हो गया अनलॉक। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ कोड को अभी चेंज कैसे करें तो फिर से आप लोगों को पैटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पैटर्न पर क्लिक करने के बाद अभी आप कोई पहले सबसे पहले आप लोग वही कोड दे दें जो आप लोगों ने पहले दिया था।
तो हम इसको ये कोड लगा देते हैं। तो सॉरी थोड़ा पीछे जाते हैं, ये पैटर्न लॉक से अभी आप लोग अनलॉक करने के लिए, अनलॉक तो हो गया है तो अभी हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरा कोड लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इल लगा दिया, फिर कंफर्म के लिए फिर से मैंने इल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा कोड अभी तब्दील। तो अगर आप लोग पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पहले ये चेक कर दें कि कोड लग गया कि नहीं लग गया। यहाँ चेक करते हैं कि अभी हमने लगाया है इल, तो ये हो गया अनलॉक। दोस्तों इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम अपना पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, वर्ड वाले कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा कोड दे देता हूँ, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मीरबाई लिखा है, मीरबाई लिखने की सॉरी मीर मैंने लिखा था, फिर से भी वही सॉरी यार मैंने मरी लिखा था, तो फिर से भी मरी लिख देते हैं। तो ये मैंने कर दिया कंफर्म, तो अभी ये लॉक भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये वाले लॉक भी अभी लगा दिया है, मैंने मरी लिख दिया था। तो मरी लिखने के बाद ये होता है अनलॉक। अभी हम इसको चेंज कैसे करें, इसको भी इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले आप लोगों को कोड लगाना है, ये कोड हमने लगा दिया है। अभी मैं फिर से पैटर्न लॉक लगाना चाहता हूँ, पैटर्न लॉक फिर से वही तरीके उसी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाई कर देता हूँ, मैं अभी फिर से वाई कर देता हूँ, ये हो गया कंफर्म। अभी मेरा मोबाइल का कोड है वाई, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये है वाई वाला कोड। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।